नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इंसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इस समय हमारी मौजूदगी डाक बंगला चौराहे पर, जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने को लेकर लगातार विधानसभा मार्च के लिए डाक बंगला चौराहे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक गया, अब उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। हम देखिए एक एक करके तमाम जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरीके से गिरफ्तारी किया जाए बीजेपी की नेताओं की, एक एक करके गिरफ्तारी किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से आज सम्राट चौधरी हो, देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी को डाक बंगला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए किस तरीके से उनको, देखिए किस तरीके से बीजेपी के देखिए रेणु क्या कहेंगे जीवन कुमार? हाँ, साथ चलें, साथ चलो। हम सरकार को कहना चाहेंगे, जिस तरह से अपने हत्या भाई और आतंक का माहौल कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो है ये दिखा रहा है कि आप जंगल राज को कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। जब शिक्षक लोग जमजोरी के जो बड़े एक एक करके देखिए, जीवन कुमार है तमाम में। अरे जीवन क्यों गिरफ्तारी हुई आपको? ये गिरफ्तारी जो है हम लोग जो है पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार आतंक और भय व्याप्त करने का जो माहौल कायम किया जा रहा है पूरे बिहार में, उसके विरोध में हम लोग धरना दिए, विधानसभा मार्च करने का प्रयास किए, तो हम लोग गिरफ्तार की गई, हम लोग की गिरफ्तारी उसी के चलते हुई है। देखिए हम एक एक करके सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो नेताओं को गिरफ्तार किया गया। देखिए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी है, चाहे जीवन कुमार हो, चाहे तारकेश्वर प्रसाद हो, तमाम जो बीजेपी के नेता है, एक एक करके देखिए हम तस्वीरें आपको किस तरीके से, देखिए किस तरीके से बीजेपी के पूरी सरकार गुंडागर्दी पर उतर गई है। लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है। नीतीश सरकार को खाड़ फेंक के हम दम लेंगे। देखिए किस तरीके से, देखिए सुशील कुमार मोदी जी, देखिए किस तरीके से बीजेपी आपको, देखिए किस तरीके से बीजेपी के देखिए हम एक एक करके तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे सीधे, सुशील कुमार मोदी हो या रेणु देवी हो या प्रेम, तमाम जो बीजेपी के या जीवन कुमार हो, हम एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डाक बंगला चौराहे से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पे पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ आपको अरे काली हला कर तो आपको हमने एक एक करके पूरी तस्वीरें दिखाई, जिस तरीके से बीजेपी के सम्राट चौधरी हो जाए या तारकेश्वर प्रसाद हो जाओ या पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी या सुशील कुमार मोदी, तमाम लोग डाक बंगला चौराहे से जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी देखिए किस तरीके से डाक बंगला चौराहे पे कहीं ना कहीं गहमागहमी की स्थिति बने। देखिए एक तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अभी भी लगातार विधानसभा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा काफ़ी कहे एक तरीके से कहे तो यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौन व्यवस्था है। और देखिए अब गिरफ्तार का, हालांकि जो वरिष्ठ नेता है, चाहे विजय सिन्हा हो गए, सम्राट चौधरी, तमाम जो नेता है उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई गहमागहमी की काफ़ी स्थिति बनी हुई, प्रशासन से लगातार मोर्चा संभाला हुआ, आप देखने वाली स्थिति ये होगी कि जिस तरीके से शिक्षकों अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी के द्वारा आज विधानसभा मार्च किया गया, आने वाले समय में क्या सरकार शिक्षकों के बारे में क्या निर्णय करते हैं या क्या उनको राहत देती है, बार बार जो शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, या तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरीके से बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये गुंडा राज चल रहा है, हम लोग कतई ये सरकार को चलने देते, आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।